थैंक यू चेयरमैन सर। महोदय, एक विश्व प्रसिद्ध किताब है जो गोलराइट जी ने लिखा है, द गोल, जिसका हिंदी में भी वर्सन आया है, उसका नाम है लक्ष्य। महोदय, उस किताब की मुख्य बात यह है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए पहले हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें करना क्या है, और वो लक्ष्य मेजरेबल टर्म्स में होने चाहिए, जिसको हम माप सकें, आंक सकें कि हम कहां तक पहुंचे हैं। महोदय, हमारी सरकार ने जो देश की तरक्की का रास्ता बनाया है, जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए हर चीज़ के लिए अपना एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखा है। चाहे वो हर घर को बिजली देने का हो, तो कुछ आंकड़ों में नहीं उलझाया है कि इतने प्रतिशत घर को देंगे, इतने लोगों को नहीं देंगे। हर घर को बिजली देंगे, हर घर को गैस देंगे, हर घर को शौचालय देंगे, हर किसान के लिए सम्मान निधि देंगे, हर गांव को सड़क देंगे, इत्यादि। वेरी वेरी क्लियर टर्म्स में सारे लक्ष्य को उन्होंने क्लियर किया है। और गरीबों के आगे के लिए भी, गरीब पिछड़ों के लिए भी बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि हर परिवार को पक्का घर देंगे, हर घर को पानी देंगे, इत्यादि। और उससे बड़ी बात है, एक समय सीमा भी हमने निर्धारित की है कि इतने समय के अंदर में ये काम हम पूरा करेंगे। महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की एक अनूठी कार्य प्रणाली है और विश्व में भी हम एक उदाहरण बन रहे हैं, और अब हमें अफसोस होता है कि काश पहले ऐसा हुआ होता। महोदय, एक सरकार ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटने लग गए, और उनका मानना था कस्मे वादे, वादों का क्या। लेकिन हमारे नेता ने अभी नहीं, 2014 में ही कहा था कि हम गरीबों की सरकार हैं और गरीबों का जीवन स्तर उठाएंगे, और जीवन स्तर सुधार रहे हैं, सुधारते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और हम निभा भी रहे हैं। महोदय, बजट इज जस्ट ए मीन्स टू अचीव दिस गोल्स, एंड आई थिंक व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग हियर अबाउट दिस ईयर्स प्रपोजल टू रीच दिस गोल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। महोदय, मैं महसूस करता हूं और समर्थन करता हूं इस बजट का, क्योंकि ये आम आदमी की आय क्रय शक्ति बढ़ाने वाला है, आकांक्षी भारत की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, देश के संसाधनों पर जिसका वास्तविक अधिकार है उनके लिए विकास की बाध्यता करने वाला और एक केयरिंग सोसाइटी का निर्माण करने वाला बजट है। महोदय, इस बजट को हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से तीन भागों में बांटा है। महत्वाकांक्षी भारत, जिसका फोकस कृषि, जल, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि है। दूसरा, आर्थिक विकास, जिसका फोकस उद्योग, वाणिज्य, रोजगार, निवेश और नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर केंद्रित है। और तीसरा, जिम्मेदार भारत, जिसका फोकस महिला, बाल कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और जलवायु पर केंद्रित है। महोदय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सरस्वती सिंधु सभ्यता और उस समय के हमारे व्यापारी क्षेत्रों मजबूती की चर्चा की है, और हमारे गौरवशाली अतीत की ओर विश्व का ध्यान दिलाया है। इसके लिए भगवान ईश्वर देवी सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, और इसके लिए हम सब बधाई भी देंगे उनको। महोदय, हमने कई अच्छे काम किए जिसका जिक्र विपक्ष भले ना करे, और मैं सच कहूँ तो उनका काम भी नहीं है, लेकिन जो आलोचना विपक्ष के सांसदों ने की है उसका भी कुछ उचित औचित्य नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि हमने टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि टैक्स की जो प्रणाली चल रही थी और लाखों कंपनियां जो बोगस बनी थी इस देश में, वो किसके सरकार में बनी थी, किस पीरियड में बनी थी, और उस कारण से काला धन और गलत तरीके से काम करना एक प्रवृत्ति बन गई थी और एक आदत सी लोगों की बन गई थी, और इसके कारण जब कड़ाई हुई तो नेचुरली लोगों को कुछ तकलीफ हुई। लेकिन हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक जो समाधान की योजना दी है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा टैक्स भी आएगा और लाखों लोग इस विवाद से निकल पाएंगे, इस और होना भी यही चाहिए। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ और जो कर हैं, जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं, उनके लिए भी कुछ समाधान योजना लानी चाहिए। महोदय, मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था
अपने चरम पर नहीं है, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि वो आईसीयू में है। मैं ये भी मानता हूँ और हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया भर में मंदी है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, और यह बजट इस बीमार अर्थव्यवस्था को वैक्सीन का काम करेगा, इसे सुधारने के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं और होते रहेंगे। महोदय, एक प्रश्न उठाया गया प्राइवेटाइजेशन के तौर पे, और जैसा मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमें काफ़ी मात्रा में पूंजी चाहिए और बहुत तुरंत चाहिए, और ऐसे के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिसका मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हमें रोज़गार उत्पन्न करने हैं तो हमें पूंजी निवेश भी चाहिए। मेरे जहन में एक प्रश्न उठता है महोदय, कि जिस समय सोना गिरवी रखा गया था इस देश का, उसके पहले की परिस्थितियों को हम देखें और ये गौर करें कि उस समय कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था की देखभाल कौन से डॉक्टर कर रहे थे। मैं समझता हूँ दूसरे पे कीचड़ उठाना आसान है, लेकिन खुद अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। एक लंबे समय तक आपने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा और अंत में परिणाम ये हुआ कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया। महोदय, पीपीपी बोर्ड पर खासा ध्यान दिया गया है, यह एक सोच है कि हमें जब तेज़ी से आगे बढ़ना है और ग्रोथ रेट हायर करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। महोदय, अब सवाल उन कल्याणकारी योजना का है जिनका कि हम अधिक ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार प्रतिबद्ध है गरीबों का जीवन स्तर उठाने के लिए। महोदय, हमने डिपॉजिट इंश्योरेंस जो मे बी 30-40 साल पहले 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी को बैंक डिपॉजिट को सिक्योर्ड किया गया था, जो अभी 5 लाख किया गया है। महोदय, ये बात कदम छोटा नहीं है, क्योंकि एक इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि बैंक डिपॉजिट सेफ नहीं है, तो उसके लिए डिपॉजिटर को वापस विश्वास दिलाने के लिए कदम बहुत बड़ा कदम होगा। जैसे कहते हैं महोदय, अचीविंग परफेक्शन इज़ एन नेवर एंडिंग क्वेस्ट, और इसी प्रयास में हमारी सरकार लगी हुई है और आयात निर्यात वगैरह वगैरह को लेकर के भी काफ़ी लंबित मुकदमे हैं, इनके लिए भी कोई समाधान शीघ्र निकाला जाएगा ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि मैं गलत नहीं सुना तो एक साथी विद्वान ने कहा कि यह बजट केवल 5% बजट राशि पिछड़े वर्ग को दिया गया है। महोदय, यदि एक वर्ग विशेष को कुछ पैसा दिया गया है तो बाकी जो सार्वजनिक खर्चे हो रहे हैं तो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को 5% दिया गया, बाकी लोगों को 95, ये मेरे ख्याल से भ्रम फैलाने का एक प्रयास था, जो कि मैं समझता हूँ कि इसका हमें प्रतिरोध करना चाहिए। यदि किसी को घर दिया गया या किसी को आयुष्मान मिला तो वो किसी वर्ग विशेष के कारण नहीं मिला, वो सबको मिला है। महोदय, मैं विशेषकर मैं झारखंड से आता हूँ और झारखंड में एक आदिवासी लोगों के एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है इस बजट में। ये बहुत आवश्यक इसलिए भी है, आदिवासियों की पहचान बनाना, उनको संभाल के रखना पूरे देश की जिम्मेवारी है। महोदय, हमारे झारखंड में कुछ दिनों पहले 7 आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई, उनके सर काट के अलग कर दिए गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ की कांग्रेस JMM सरकार और यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं ने, किसी बड़े नेता ने अपना मुंह तक नहीं खोला इस विषय पे, और ये उनकी सोच है और हमारी सोच है, और जबकि वहाँ अभी हमारी सरकार नहीं है फिर भी हम वहाँ पे आदिवासी संग्रहालय बनाने की बात कर रहे हैं। महोदय, जब देश में जो सेंसेक्स जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, वो फ्यूचर को प्रोडिक्ट करके, उसको प्रोजेक्ट करके कुछ अपनी कॉल लेते हैं। अल्फोन साहब ने अभी बताया था कि कहां से कहां 17,000 से 41,000 हमारा सेंसेक्स पहुंच गया। महोदय, आर्थिक स्थिति के बारे में मैं ये कहता हूं कि जिनका पैसा लगा है उससे बेहतर और कोई उसको नहीं जानता, भविष्य की भविष्यवाणी उससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। जब उनको इतना विश्वास है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टर को विश्वास है, उससे अच्छा आकलन हम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि देश को भी विश्वास करने की चाहिए कि हो सकता है कुछ मुद्दों पे थोड़ा बहुत हम पिछड़े हो थोड़े समय के लिए, जैसा कि सब्जी फलों के दाम बढ़ने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महोदय, अंत में इस बजट में अपनी सरकार द्वारा व्यक्त दृढ़ संकल्प को और आत्मविश्वास को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहूँगा,
जो हमारे इरादों पर संदेह जताने वालों को भी संदेश है। नहीं नहीं प्रभु तुमसे, नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उसे मरकर बिखर कर, अर्जित करूंगा उसे मरकर बिखर कर, आज नहीं तो कल सही आऊंगा उबर कर। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, रोकूंगा गिरता पहाड़ शरण नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। महोदय हमारे देश में अपनी शक्ति है और ये शक्ति का एहसास हमको बराबर बने रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मगेश जी। डॉक्टर आमी।